हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए। जब हमारी नींद अच्छी होती नहीं है तो दूसरे दिन हमें बहुत थकान सी महसूस होती है, उबासी आती है, काम में मन लगता नहीं है, काम करने के समय नींद सी लगती रहती है, फ्रेश नहीं लगता, उत्साह नहीं रहता काम में, और कुछ भी करना बोझ लगता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा एक साइंटिफिकली स्टडीज़ है, उसमें ऐसा बताया गया है कि 6 से 8 घंटे एवरेज में आदमी को नींद होना ज़रूरी है। 6 से 8 घंटा, कुछ लोगों को 6 घंटे में हो जाता है, कुछ लोगों को 8 घंटे लगते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो है बहुत ही, कि जो 4 घंटे नींद में उतना काम निभा लेते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नींद अच्छी नहीं आना ये मानसिक बीमारी का लक्षण होता है, मगर मानसिक बीमारी नहीं होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं उनको अच्छी नींद नहीं आती। तो उसके लिए क्या उपाय है मैं आपको बताता हूँ। वो यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको आराम से 6 से 8 घंटे की नींद रोज़ रात को आते जाएंगे। रोज़ यदि आप एक्सरसाइज करते हो सुबह को या शाम को 30 से 40 मिनट, तो वो नींद के लिए बहुत अच्छा होता है एक्सरसाइज करना। फिर समय जो है नींद का, वो समय एक स्पेसिफिक समय होना ज़रूरी है। जैसा आप आइडियल टाइम जो है नींद का, वो है रात को 10 से 12, मतलब ये जो समय है इसके बीच में आपने बेड के ऊपर जाना चाहिए और 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। मगर नींद आती नहीं है, ऐसे थकान से लगती नहीं है, या आंखों के ऊपर नींद नहीं है, तो फिर बेड के ऊपर खामोखा जाने का नहीं, क्योंकि फिर आप बेड के ऊपर लेटेंगे, नींद नहीं आ रही है और फिर करवटें बदल रहे हैं और नींद नहीं आ रही, उससे प्रॉब्लम होता है। तो जब तक नींद अच्छी नहीं आती तब तक बेड के ऊपर जाने का नहीं है, और समझो नींद आती नहीं है तो फिर उस समय आप किताब पढ़ते हैं, कोई कोई धार्मिक किताब पढ़ते हैं, कोई कविता है, कोई कहानी है, सारी सारी, तो वो किताब से अच्छी नींद आ सकती है और फिर किताब पढ़ के आप सो सकते हो। नींद के पहले टीवी देखने का नहीं, कोई हॉरर मूवी नहीं, कोई ऐसे डरावनी कहानी पढ़ने का नहीं, डरावनी कोई सीन देखने के नहीं है, या मोबाइल के ऊपर खेलने का नहीं है, कंप्यूटर के ऊपर खेलने का नहीं है, या मतलब ऐसे कुछ भी एक्साइटमेंट वाली बातें करने का नहीं है कि जिससे वो एक्साइटमेंट हो जाएगा। अपने काम की कोई भी चीज़ अपने बेडरूम में लेकर जाने का नहीं, जो काम की चीज़ें हैं वो घर के बाहर एक्चुअली होना है, मतलब काम का टेंशन रहो, ऑफिस का काम रहो, धंधे का काम रहो, घर के बाहर, और घर में समझो लाया भी तभी वो बेडरूम में काम लाने का नहीं है। मतलब बेडरूम का इस्तेमाल सिर्फ नींद के लिए करना है, अपने गद्दी का इस्तेमाल सिर्फ नींद के लिए करना है, गद्दी के ऊपर कोई भी दूसरा काम करने का नहीं, ऑफिस का, धंधे का, कुछ भी काम करने का नहीं, वहाँ से मोबाइल करने का नहीं है, कंप्यूटर खेलने का नहीं, कुछ भी करने का नहीं। सोने के पहले यदि आप स्नान करके सोते हो, ऐसा गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, तो वो नींद के लिए अच्छा होता है। दूध पी के, बादाम डाल के दूध पीते हैं तो उससे भी अच्छी नींद आती है। कम से कम 3 घंटा पहले आपका भोजन होना ज़रूरी है, मतलब आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे के पहले आपका खान पान होना चाहिए, उसके बाद में खान पान नहीं होना चाहिए, और खाना भी रात का जो है वो हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि पेट के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। कोई भी टेंशन वाली बातें करके, मतलब किसी से झंझट करके, झगड़ा करके, डिबेट करके, ऐसा करके बेड के ऊपर जाने का नहीं। फिर कम से कम 4 घंटे पहले नींद के चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, पान या कोई भी नशीली चीज़ें 4 घंटे पहले लेने का नहीं है, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट होता है, ब्रेन का स्टिमुलेशन होता है और फिर नींद नहीं आती। दवा तो बिल्कुल लेने का नहीं, कुछ लोग बोलते कि नहीं हमको दवा दे दो, तो दवा यदि लेते हैं कोई नींद की, तो कोई भी दवा आप लेते हैं तो 3 हफ्ते बाद में वो दवा का असर आने के लिए 1.5 गुना दवा ज़्यादा लगती है, मतलब 5 मिलीग्राम की एक गोली आप खा रहे हैं जिससे आपको नींद आ रही है, तो 3 हफ्ते बाद में 7.5 मिलीग्राम का डोज वो दवा का लगेगा, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है। तो इस तरह का आप यदि इस्तेमाल करते हैं
रोज? इज अ टाइम फिक्स? 3 घंटे पहले खाना पीना, झंझट झगड़ा करके बेड के ऊपर नहीं जाने का, धंधे की ऑफिस की बातें बेड के ऊपर लेके जाने का नहीं है, नशीली चीज़ें या चाय कॉफ़ी सिगरेट तंबाकू ये लेकर बेड के ऊपर जाने का नहीं, या कोई भी टीवी का सीन देख के बेड के ऊपर जाने का नहीं, मतलब हॉरर मूवीज़ है, कोई रहस्यमय कहानियाँ हैं, या कोई शोज़ वीडियो शोज आप देख रहे हैं जिससे कि डर लग रहा है, ऐसे कोई भी चीज़ें देख के जाने का नहीं, और डिबेट बहुत ज़्यादा डिबेट करके या कोई टेंशन लेके बेड के ऊपर जाने का नहीं। तो ये आप करते हैं तो बहुत अच्छी नींद हो जाएगी, और यदि आपकी नींद अच्छी होती है तो दूसरे दिन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा, उत्साहित लगेगा और काम भी अच्छा होगा। आपके आजू बाजू के काफ़ी सारे लोगों को ये नींद की प्रॉब्लम होगी, ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा लोगों को, ताकि ये इस्तेमाल करते हैं तो उनको अच्छी नींद आएंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।